वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है 14 नंबर चैप्टर का अभ्यास देखेंगे जो कि है दशमलव का प्रयोग। ठीक, तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है दशमलव बिंदु लगाकर मीटर में लिखो। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको हमको मीटर में बदलना है और कहाँ से सेंटीमीटर से हमको मीटर में बदलना है। तो हमने आपको पैमाना बताया था मिली सेंटी, तो सेंटी से यहाँ पर हम लिख देंगे 20, क्योंकि यहाँ पर सेमी है इसी को जो है सेंटीमीटर बोलते हैं, मिली सेंटी डेसी, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर मीटर। तो अगर हमको किसी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो यहाँ पर जो है दो गैप है, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें जो है 100 का भाग देंगे। सेंटीमीटर आपको पता ही है, छोटा उसका मात्रक है, और उसके बाद डेसीमीटर है, फिर उसके बाद मीटर बड़ा है। तो जब आप छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आप भाग करते हैं, और जब आप बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आप गुणा करते हैं। तो हमको सेंटी से मीटर बदलना है, तो इसलिए हम यहाँ पर भाग देंगे कितने का, सेंटी डेसी मीटर, दो गैप है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 68 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम 100 का भाग दे देंगे, तो जो है ये आपका, जब हम 100 का भाग दे देंगे तो ये आपका जो है मीटर में बदल जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है 100 से भाग करने की प्रक्रिया आपको बताई गई है शॉर्ट में, तो दो शून्य है तो दो अंक जो है यहाँ पर दशमलव बाएं तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.68, ये आपका हो जाएगा मीटर। ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो इसी को हमको करना है परिवर्तित। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 16 धन, अब यहाँ पर जब आप 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.07, और इसका जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 16.07 मीटर। ठीक, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 343 मीटर है और 50 सेंटीमीटर है, तो इसको आपको सिर्फ सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो यहाँ पर 50 भागे आप क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 343 धन, ये भी आपका मीटर में हो जाएगा 0.50, और ये टोटल आपका क्या है, मीटर में है। और उसके बाद आप इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 343.50 मीटर। अब आप यहाँ पर जो है शून्य इसमें काउंट करें या ना करें इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 343.5, और दशमलव के कोई भी अंक हों उसके बाद उसके दाहिने तरफ आप कितना भी शून्य लगाते हैं उससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए यहाँ पर भी हम जो है 100 से भाग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलना है, 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो ये दो अंक जो है आपका बाएं तरफ आएगा, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.32 मीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद जो है हम 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये मीटर है ही, यहाँ पर सेंटीमीटर है, इसको हम 100 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 धन, और ये आपका 30, तो ये हो जाएगा 0.30, और इसको आप जब जोड़ देंगे तो ये टोटल मीटर में आ जाएगा 12.30 मीटर। अब यहाँ पर आप चाहे तो शून्य लिखें चाहे तो शून्य ना लिखें, इसके मान में आपका कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, और ये हो जाएगा 12.3 आपका मीटर। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सेंटीमीटर में लिखो। यहाँ पर जो दिया गया है इसको हमको सेंटीमीटर में लिखना है, और यहाँ पर जो इकाई है ये क्या है, मिलीमीटर में है। तो मिली के बाद सेंटी आता है, जैसा कि आपको पता ही है मिलीमीटर, उसके बाद आता है आपका सेंटीमीटर जिसको आप सेमी कहते हैं। अब मिलीमीटर से सेंटीमीटर के बीच में 10, हर जो आपकी इकाई होती है उसमें हमने बताया, जो आपको क्रम बताया उसमें जो है 10 का गैप होता है। अब यहाँ पर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आपका 10 का गैप है, तो अगर हमको मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाना है तो हम जो है क्या करेंगे, 10 का भाग करेंगे। ठीक, और अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। तो हमको जो है यहाँ पर जो है मिलीमीटर को जो है सेंटीमीटर में बदलना है, तो छोटे जो इकाई है उसको हमके बड़े इकाई में हमको जो है कन्वर्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम मिलीमीटर है इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 8.07, और इसको आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8.60 सेमी। ठीक, तो इसका आपका हो जाएगा
उसके बाद क्या है, इसमें भी हमको मिलीमीटर से सेंटीमीटर बदलना है, तो 10 का भाग देंगे तो एक अंक दशमलव जो है बाईं तरफ खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.3 और ये हो जाएगा आपका सेमी। ठीक ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम 10 से भाग देंगे तो एक अंक इसका जो है आ जाएगा बाएं तरफ, तो ये हो जाएगा 16.8, ये मिलीमीटर से आपका हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से दिया गया प्रश्न कोई भी हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 50 है और 5 मिलीमीटर है, तो यहाँ पर 50 धन बटा 10 करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 0.5, और इसको जब आप दोनों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50.5 सेंटीमीटर। ठीक इस प्रकार से आप दिए गए क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आंगन नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम कितने का भाग देंगे, 10 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 25 धन 10 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2.5। अब दोनों आपका सेंटीमीटर है जुड़ जाएगा, तो इसमें आप जोड़ देंगे तो इसके आगे दशमलव आप शून्य लगा दीजिए, तो 5 शून्य यहाँ पर 5 ही हो जाएगा, फिर दशमलव लग जाएगा, 5 में 2 जोड़ोगे यहाँ पर 7 हो जाएगा आप, और उसके बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा, 27.5 ये क्या हो जाएगा आपका सेम। इस प्रकार से आप दिए गए क्वेश्चन को जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक तो आपका ये रहा जो है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है किलोमीटर में बदलो, किलोमीटर है मीटर है, तो यहाँ पर मिली सेंटी डेसी मीटर डेका एक्टो और उसके बाद आपका आता है किलो। ठीक तो यहाँ पर 10-10 का आपका गैप होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब जब आप मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, 10 × 10 × 10 1000, तो यहाँ पर आपको जो है उसमें 1000 का आपको भाग देना पड़ेगा। मीटर में जब आप 1000 का भाग देंगे तो वो हो जाएगा आपका किलोमीटर में। उसी प्रकार से पहला क्वेश्चन है इसको हम देख लेते हैं। 625 मीटर है, इसमें हम 1000 का भाग दे देंगे और 8 किलोमीटर है ही, तो यह आपका हो जाएगा 8 × 0.625 हो जाएगा। दशमलव जो है 3 शून्य है, तो 3 अंक जो है बाईं तरफ आएगा, तो यहाँ पर दशमलव लगेगा, इसके आगे हम यहाँ पर शून्य लगा देंगे और जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8.625, ये टोटल आ जाएगा किमी, यह भी आपका किलोमीटर में बदल जा चुका है। ठीक ठीक उसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मीटर है, इसमें भी हम जो है 1000 का जो है भाग देंगे, तो 3 अंक दशमलव आएगा बाईं तरफ, तो यहाँ पर जो है एक अंक नहीं है, तो यहाँ पर 1 शून्य हम लगा देंगे, फिर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर शून्य लगा देंगे, ये हो जाएगा 0.017, क्या हो जाएगा ये किमी किलोमीटर। ठीक उसी प्रकार से गैर नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी हम जो है 1000 का भाग देंगे, तो इसमें जो है आपका एक ही अंक है, तो 8 लिखेंगे हम और उसके बाद यहाँ पर 2 अंक और बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर शून्य लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा किमी। ठीक आप भाग करके इसको भी लगा सकते हैं, या फिर आपको अगर सामान्य तरीके से जो गुणा बताया गया है उसको आपको तरीका पता है, तो 3 शून्य है तो 3 अंक पे यहाँ पर दशमलव लगेगा, अगर अंक कम पड़ रहे हैं तो आपको शून्य जोड़कर उसको लगाना है। ठीक इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर घर नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 178 और 30 मीटर, 30 मीटर को हम किससे भाग देंगे, 1000 से। ठीक तो ये हो जाएगा आपका 178 × 0.030। अब आप इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 178.030 और ये टोटल आपका हो जाएगा किसमें, किमी में। ठीक इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर शून्य आपका ये आप काउंट करें ना करें, इसको हटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर जो है 178.03 हो जाएगा। ठीक उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि है आपका आंगन नंबर क्वेश्चन, 16 किमी और 135 मीटर, तो इसमें जो है 1000 का आप भाग दे दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 16.135। ठीक तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 16.135 किमी। ठीक तो ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी आपको किलोमीटर में बदलना है, तो 1000 का आप क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो ये आपका जो है
तीन अंक दशमलव आएगा तो ये हो जाएगा 1.125 और ये हो जाएगा आपका किमी किलोमीटर जिसको आप कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से आप दिए गए क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। हैंडपंप से शौचालय की सोखता गड्ढे की दूरी जो है 10 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में बदलना। तो 10 मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए आपने अभी देखा 1000 का हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे और इसको जो है तीन अंक पे दशमलव आना है तो यहाँ पर दो अंक तो आ जाएगा और एक अंक यहाँ पर हम और शून्य लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.010। ठीक, उसके बाद जो है इधर आपका शून्य का कोई मतलब नहीं है तो आप इसको 0.01 किमी लिख सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया हो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किलोग्राम में लिखो, यहाँ पर ग्राम है किलोग्राम है तो वही ग्राम का भी रहता है मिली सेंटी डेसी ग्राम, उसके बाद फिर हो जाएगा डेका ग्राम, हेक्टो ग्राम, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा किलोग्राम जिसको जो है आप किग्रा कहते हैं। तो ग्राम से किलोग्राम बदलने के लिए यहाँ पर 10 × 10 × 10 1000 है, 1/1000 करना पड़ेगा मतलब 1000 से आपको भाग देना पड़ेगा। ग्राम है तो उसमें 1000 से भाग देंगे तो वो किलोग्राम हो जाएगा। सेम प्रक्रिया है, उसी प्रकार से यहाँ पर हम भाग देंगे तो किलोग्राम है उसको रहने देंगे, यहाँ पर हम 1000 से भाग देंगे तो इसके बाद ये हो जाएगा 5 × 10⁶ और इसको आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5.365। ये क्या आ जाएगा आपका किग्रा, जिसको आप केजी भी बोलते हैं, किलोग्राम भी कहते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम जो है 1000 का भाग देंगे, ग्राम से किलोग्राम में बदलना है, दशमलव हमारा तीन अंक आ जाएगा 1, 2, 3 तो ये आपका यहाँ पर लगेगा तो यहाँ पर आप लिख देंगे 32.578। इसको आप क्या कहेंगे, किग्रा, इसको आप केजी बोलते हैं, किलोग्राम बोलते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वही प्रक्रिया है, किग्रा है ग्राम है, यहाँ पर आप 1000 का भाग देंगे, आप इसको अच्छे से लिखेंगे अपनी नोटबुक में, जब आप लिखेंगे तो इसको अच्छे से लिखेंगे सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 228 यहाँ पर 0.536 हो जाएगा। अब इसको ये दोनों जो है आपका क्या है किग्रा में है, आप इसको जब जोड़ देंगे 228.536 किग्रा। इस प्रकार से आप दिए गए क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम प्रक्रिया यही है, ग्राम में जो है हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 450 ये हो जाएगा आप भाग देने के बाद 0.250। ठीक, इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको हम बराबर देख लेते हैं। जब आप इसको बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 450.25। शून्य का कोई मतलब नहीं है, आप इसको कह सकते हैं 450.25। ठीक, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और ये जो इसका मान आएगा वो किग्रा में ही आएगा, क्योंकि ये भी किग्रा, तभी ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और ये हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको जो है लीटर में लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर वही प्रक्रिया होगी, लीटर, डेका लीटर, ठीक, हेक्टो लीटर, फिर यहाँ पर जो हो जाएगा किलो लीटर। ठीक, तो यहाँ पर जो है प्रक्रिया थोड़ी उल्टी है, 10 10 10 का गैप है ये है और उसके बाद यहाँ पर लीटर में हमको लिखना है, मतलब ज़्यादा से हमको कम में जाना है। तो हम क्या करेंगे, तो किलोलीटर में हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 लीटर है और उसके बाद यहाँ पर जो है क्या है, किलोलीटर है, तो लीटर है तो लीटर को लीटर में रहने दीजिए और इसमें हम कितने का गुणा कर देंगे, 1000 का गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर दीजिए आप 1000 का, तो ये आपका हो जाएगा 365। 1000 का गुणा करेंगे तो 300 आगे हो जाएगा, 1, 2, 3 और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 15 लीटर, तो ये आपका दोनों लीटर में हो गया तो ये हो जाएगा 365 उसके बाद 0 और इसको आप जोड़ देंगे 1, 5 तो ये आपका हो जाएगा पूरा लीटर में। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, उसी प्रकार से इसको भी 4 लीटर है और यहाँ पर जो है क्या है, मिली लीटर है। ठीक, तो मिली लीटर से हमको सबसे पहले किस में बदलना है, लीटर में, तो यहाँ पर आपको बताया गया है मिली
सेंटी, उसके बाद देसी, उसके बाद आता है लीटर। टोटल हमको लीटर में बदलना है, तो 515 मिली है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 10 10, तो यहाँ पर हम कितने का यहाँ पर भाग करेंगे तब लीटर में होगा, क्योंकि ये छोटा मात्रक है और ये बड़ा इसका मात्रक है, ठीक। वही इकाई जो है वो छोटी और बड़ी है, तो यहाँ पर छोटी इकाई से हम बड़ी इकाई में कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हमको भाग देना है कितने का, 10 × 10 × 10 बराबर ये हो जाएगा 1000 का, ठीक। 1000 का भाग करने पर यहाँ पर जो है 3 अंक पे आएगा दशमलव, तो ये होगा 4 + 3 अंक पे जब आप दशमलव करेंगे तो 0.515 हो जाएगा। तो ये दोनों, ये सब आपका किस में है, लीटर में है, तो आप इसको जोड़ देंगे 4.515, ये आपका हो जाएगा लीटर। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी मिली लीटर है, तो पहले हम इसको जो है क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 8 + 5 है, तो यहाँ पर हम जो है बीच में 2 0 और ऐड करेंगे, तब यहाँ पर 3 अंक पे आपका दशमलव पहुँचेगा। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 8.005 क्या आएगा आपका, लीटर में आएगा, ठीक। इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है मिलीलीटर, यहाँ पर भी है, और लीटर में बदलने के लिए आपने यहाँ पर पैमाना देखा ही है, तो 1000 से यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक। जब 1000 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + और उसके बाद ये हो जाएगा 0.3, 3 अंक पे दशमलव जाएगा, 2 ही अंक है, तो 1 0 यहाँ पर हम और लगा देंगे, ठीक। उसके बाद इसको आप जोड़ देंगे तो 5.045 ये हो जाएगा आपका लीटर। इस प्रकार से दिया गया क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपके रियल लाइफ में भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा, तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया है इबारती प्रश्न है, तो चलिए इबारती प्रश्न को हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है राजन की कमीज में जो है 1.20 मीटर, मोहित की कमीज में जो है 1.30 मीटर, और अरशद की कमीज में 1.10 मीटर कपड़ा लगता है, बताओ तीनों कमीज में कुल कितने सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है। सेंटी, डेसी, मिली सेंटी डेसी, उसके बाद क्या होता है मीटर होता है, तो यहाँ पर 10 10 10 10 मतलब 100 का गैप हो जाएगा सेंटी से मीटर के बीच में, तो हमको टोटल किस में करना है, सेंटीमीटर मतलब छोटी इकाई में हमको करना है, तो बड़ी इकाई से हमको मीटर से सेंटीमीटर बदलना है, तो मतलब हम क्या करेंगे इसमें 100 का गुणा कर देंगे। सबसे पहले इसमें हम 100 का गुणा करेंगे, ठीक, प्रत्येक में हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। उसके बाद इसको जो है आसानी से हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। चलिए अब देखिए, पहला आप करेंगे 100 का गुणा करेंगे, 2 अंक आपका दाहिने तरफ जाएगा, भाग करने पर बाएं तरफ जाता है, और गुणा करने पर दशमलव दाहिने तरफ जाएगा, तो 2 अंक जाएगा तो 120 हो जाएगा। ये सब आपके जो है सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है 1.30 है, तो ये हो जाएगा 130। उसके बाद धन लगाएंगे हम, ये हो जाएगा 110। ये सभी आपके किस में हैं, सेंटीमीटर में है, क्योंकि हमने मीटर में 100 का गुणा किया। अब इसको आप जब जोड़ देंगे 0000 हो जाएगा, 3 1 4 4 2 6 हो जाएगा, 1 1 1 के हो जाएगा 360, ठीक। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये आपका आंसर जो है 360 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।